हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी सुबह के 5:30 हो रखे हैं और आप सबको हमारे से राम राम जी। और अब हम निकलने लगे हैं मत्था टेकने के लिए माता शीतला जी का। तो लवण्या हमारी यहाँ पे सो रही है, इससे हाथ लगवा लूँगी। ये लिया मैंने जो प्रसाद मैंने कल बनाया था, और ये प्रसाद बनाया था, ये चने चुने जो भिगोए थे। लवण्या का हाथ लगवा लेती हूँ, उधर मन्नू का हाथ लगवा लेती हूँ, फिर हम लोग निकलते हैं। चलो, और ये तैयार हो गया, नहाए तो नहीं है राम राम नहीं जी। नहीं राम राम जी, राम राम। मैंने ले लिया, बाहर जाऊंगा ठंड लग जाएगी ना, इसलिए। हाँ, इनको जुकाम वगैरह हो जाता है ना, इसलिए। जय हेलो, अच्छा खासा ये मौसम देखिए, इनको ठंड अभी। लग रही थी, इतना बताओ। ये कंबल ओढ़ के झाड़ते, ये कंबल है। क्या और हो गया अब क्या तुम्हें? कहते, अब मैंने बोला ये टी शर्ट पहन लो। इसके ऊपर से टी शर्ट पहन लेता हूँ, हाँ, क्या तो होगा कोई इसके नहीं, पहन बाद। लो, बाहर ठंड लग रही है ना, बाहर निकल के फिर दोबारा से अंदर आए हैं। ठंड लग रही है अभी सुबह शाम, मतलब सुबह शाम की ठंड है ना। दोपहर को गर्मी लगती है जब सूरज निकल जाता है, अभी तो ठंडी है। और मैं तो नहा के आई हूँ सुबह सुबह, अभी पता नहीं नहा के जाते हैं कि नहीं जाते हैं। बासड़िए का मत्था टेकते हैं ना, अब बासी मुँह टेकते हैं। वैसे तो मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, पर मुझे नहाने का नहीं पता, पर हम तो नहा लेते हैं, बिना नहाए अच्छा नहीं लगता। तो पूजा वगैरह हो गई है हमारी, अब हम निकलने लगे घर को। देखिए कितने सारे डोगी हैं यहाँ पे, और छोटे छोटे बच्चे हैं। ये देखिए कितने सारे डोगी यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे हैं। ये सब, ओ देखो भाई झाड़ू ले गया वो। कितने हैं ये? 2, 3, 5, 6, 7 हैं। तो मंदिर में तो मत्था टेक आए थे हम, अब घर पे भी हमारी पूजा हो चुकी है। और अब बनाती हूँ मैं चाय, और फिर मन्नू को भी उठाती हूँ, मन्नू का पेपर है। और मन्नू के पापा को भी चाय चूज दे देती हूँ, लवण्या भी उठी तो उसको भी दूध दे देती हूँ। आवाज़ आ रही थी उसकी। तो चाय बन के हो चुकी है तैयार, तो अभी मैं मन्नू के पापा सो गए थे आके, अब उनको उठाती हूँ और चाय दे देती हूँ। फिर उसके बाद मन्नू को भी उठा के तैयार करना है, क्योंकि वो स्कूल जाएगा। और क्या कहते हैं, आज सुबह सुबह ना बहुत अच्छा लग रहा है, उठ के नहा नहो के पूजा करके बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी साफ़ सफाई दिखी, साफ सफाई भी करनी है, अब वो बाद में करती हूँ। चाय गर्म, अभी अभी यहाँ रखो, हाथ मत मारना। तो ये देखिए, सुबह सुबह भी 7 बजे मन्नू का बुखार चेक कर रही हूँ। डॉक्टर ने बोला था लिखना है ना कि बुखार इसको कितना है, कितने बजे कितना बुखार था। देख बेटा है, 7.2 ओहो। तो ये देखिए, अभी भी इसको इतना बुखार है। मन्नू को ना पता नहीं क्या है, इसको दवाई भी दिया था, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा दवाई दवाई से भी। अभी भी देखिए इतना बुखार, अब इसको दवाई दे देती हूँ, क्योंकि इसको पेपर देने जाना है ना आज। मन्नू उठ जा, पुत एक बार दवाई ले ला, तेरा पेपर है ना, मतलब 1 घंटे 1.5 घंटे जितना फर्क पै जाएगा। तो ये देखिए, ये था, इस पर लिखा हुआ है, कहते डॉक्टर ने बोला था कि इससे थोड़ा बड़ा पेपर ले लेना। मन्नू के ऊपर बोलता प्रिंट निकाल दूंगा, तो तब तक मैं इस पर लिख लेती हूँ। फिर उसके बाद उसके ऊपर लिखेंगे टाइम टूम जितना भी है ना, बुखार वगैरह सारा उस पर नोट कर दूंगी यही। और ये कल से लिख रहे हैं हम ना, ये कल सुबह सुबह डॉक्टर ने लिखा था वहाँ पर। और मतलब तब 99 था, फिर 99 था, फिर 100 हो गया। अब ये चेक किया जो 14 तारीख को भी, वो भी 100 है। तो मन्नू तो चला गया था स्कूल, मन्नू का पेपर था आज, तो मन्नू स्कूल चला गया था। तो मैं भी थोड़ी देर ना सो गई थी, मुझे पता नहीं क्या हुआ, एकदम से लेटी और मुझे नींद आ गई बहुत तेज़। और लवण्या ने सारे कपड़े गिल्ले कर दिए थे सुबह से, तो इसके कपड़े कपड़े चेंज किए, और फिर ये सो गई, रो रही थी पहले, सारा गिल्ले कर। तो मन्नू के पापा उधर बैठ कर काम कर रहे हैं कंप्यूटर पर, कुछ काम कुम कर रहे हैं, और नहा नहू लेते, पूजा उनकी हो गई थी, वो कुछ काम कर रहे हैं। और मैं थोड़ी देर सफाई सफुई करूँगी। और क्या कहते, कपड़ों का ढेर लगा पड़ा, अभी कपड़ों की तय कर दिया मैंने। ये देखिए कितने सारे कपड़े हैं, इनको सबको उठाना, सबको तय करना है। ये 2 बार धुले हुए कपड़े हैं, कितने गर्मी और सर्दी। अब सर्दी वाले कपड़े भी सारे धुल गए, अब वो रख दूंगी इनको उठा के ना, अब गर्मी वाले कपड़े निकाल लेंगे। अब क्या कहते हैं, सुबह सुबह तो मौसम चेंज था ना, सुबह सुबह ठंड लगती है अगर बाहर जाओ तो, घर के अंदर नहीं। सुबह सुबह बाहर जा रहे थे ना तो ठंड लग रही थी बहुत तेज़। तो अब कर रही हूँ मैं लंच की तैयारी। तो ये मैंने ना आलू काट लिए, तो मैं इसको ऐसे ही ना तड़का तुड़का लगा के कुकर में सीटी भिजवा दूँगी, फिर थोड़ा सा मैश कर दूँगी, तो ये आलू टमाटर की सब्ज़ी बन के हो जाएगी तैयार। तो बस प्याज व्याज काट लेती हूँ, और क्या कहते हैं, ये अदरक और हरी मिर्च को इसी में ग्राइंडर कर दूँगी। तो इसको तड़का लगा लेती हूँ सब्ज़ी को, जल्दी जल्दी मन्नू भी आ जाएगा, फिर उसको भी भूख लगी होगी, पेपर देके जल्दी आ जाता है ना, तो वो भी आने वाला होगा थोड़ी देर तक। तब तक मैं उसको तड़का लगा दूँ। यहाँ पर मैंने मन्नू के पापा के लिए ना
और वो साबूदाना भिगोया, तो मन्नू को बोला था डॉक्टर ने ना कि साबूदाना मन्नू को खीर देना, तो दोनों खा लेंगे, लब्बू भी खाएगी मतलब जब उठेगी, अभी सो रही है, तो ये भी बना दूंगी मैं इनके लिए, फास्ट भी है इनका मंगलवार का। तो यहाँ पे आलू की सब्ज़ी बन के हो चुकी है तैयार, तो मन्नू भी आ गया स्कूल से, तो उसको पहले रोटी दे देती हूँ। मन्नू लो बेटा, मन्नू भाई लीजिए, इसका बुखार बच्चों का अभी तक कम नहीं हुआ, लो बेटा पानी। डॉक्टर ने कहा ना अद्धे एक गिलास तो भी घट दूंगी, ठीक है, दो दो घुट करके पानी पी बेटा, एक गिलास। मनु तू बहुत पानी पी लादा रोटी के नाल, एक गिलास। सुन के वैसे तू पानी इन्ना पींदा नहीं हैगा, स्कूल से आया तो मैंने एक गिलास पानी दिया, उसमें से भी इसने छोड़ दिया, आधा पिया आधा छोड़ दिया। डॉक्टर ने बोला रोटी के साथ पानी नहीं पीना, अगर पीना तो दो दो घूट पी लेना बीच बीच में, लेकिन ज़्यादातर पानी वैसे पियो। ये बिल्डो रानी भी उठ गई है, इसको भी अब भूखी लगी है, तो रोटी बनाती हूँ हम मतलब मैंने पूरी खाएगी पूरी है। मन्नू को मैंने बोला था पूरी बना देती हूँ, कहता नहीं, पर इसको मना भी कर रखा डॉक्टर ने ना, चमचा ले रख दिया। तो लवण्या और मैं पूड़ी खा लेंगे आलू के साथ, है ना मित्तू? हाँ ले आ रही है बना के। तो बस इतनी सी पूड़ी बनानी थी, तो ये बना रहे मन्नू का वहाँ पूड़ी पूड़ी बनाने में ये एक्सपर्ट है हाँ, लवण्या भी शोर मचा रही है और मैं लवण्या खा मैंने खाने लगा पूड़ी, तो आप सब भी खा लीजिए। ये होगी है हमारी थाली तैयार, आलू की सब्जी बड़ी जल्दी बन जाती है ऐसे में ना, बस तड़का लगाओ साफ़ते गोल गोल आलू डालो और मैश कर दो, टूट ही जाते हैं वैसे, खुद ही टूट गए थे ये, अगर ना टूटे तो थोड़ा सा मैश कर दो बस, बहुत टेस्टी बनती है। मन्नू पहले खा नहीं रहा था लेकिन खाया ना तो अच्छा लगा, फिर और लिया उसने। और ये देखिए गोल गोल चुनी चुनी पूरी, आप सब भी खा लीजिए। फिर मन्नू कपा को बना के देना भी साबूदाना, मैं क्या पहले लवण्या को खिला दूँ और हम खा के फिर इनको बना के देते हैं, फिर मन्नू भी खा लेगा ना, फिर ठंडा हो जाता है साबूदाना, फिर अच्छा नहीं लगता दोबारा। तो गैस वगैरह मैंने साफ़ कर दिया, बना रही हूँ मन्नू कपा के लिए मैं साबूदाना खीर, और देखिए कितने अच्छे से फूल गया ना ये, कितने अच्छे से फूल गए, एक मोती जैसा हो गया, और अब इसको बनाते हैं। चलिए तो साबूदाना खीर बन के हो चुकी है तैयार, तो पहले मन्नू के पापा को दे देती हूँ, और ये मन्नू के लिए भी निकाल दिया मैंने, तो आप सब भी खा लीजिए फ्रेंड्स। तो मन्नू के पापा को दे के आती हूँ, लो मन्नू को दे दिया, मन्नू को दूंगी ना, और भी है ठीक है, बहुत ज़्यादा बन गई, और ले लेना, लो बेटा। मैं क्या साबूदाना खीर खा के दवाई खानी है बेटा, ठीक है दोपहर दी, ठीक है आ हटा दे कंबल ना, मैंने गर्मी लग रही है बहुत तेज़। अच्छा मैंने गर्म सूट पहना हुआ है ना इसलिए, है ना, फट ध्यान ना डोलना दे। बिल्लू ले आऊँ, बिल्लू बच्चा खाएगा, चलो उठो आप भी खाते हैं, ज़्यादा थोड़ी तो हैगी है, लखट कर दें फिर।